गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था। आप देख सकते हो इसके बाद हमारा जो प्राइस जो बढ़ने का सिलसिला है वो खत्म हो गया, उसके बाद साइडवेज चला गया, पूरा टाइम साइडवेज ही रहा है। और ये जो तीसरा टाइमिंग है उसके बाद ये थोड़ा सा गिरावट भी आया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जैसे हमारा टाइमिंग जो है बहुत सटीक काम करता है, ऐसे ही आपको टाइमिंग्स मंडे के लिए क्या है उसके जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई विल बी शेयरिंग यू द टाइमिंग्स लेवल्स, सारा चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी। तो चलिए हम भी पहले हम बात कर लेते हो निफ्टी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब तक हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पर हमारा बाय ऑन डिप्स ही है, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई गिरावट का संकेत नहीं मिल रहा है हमको। जब तक हमारे लिए 20,000 के ऊपर है मार्केट, हमको यहाँ पर बाइंग के बारे में ही सोचना है। मंडे के लिए क्या होगा, मंडे के लिए देखिए 20,150-200 दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एट 20,250-300 दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अभी इमीडिएटली हमारा पिवोट पॉइंट हम मान सकते हैं 20,300 को। 300 ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, तो देयर कुड बी सम डिप। जब तक यहाँ पर 20,100 आप मान के चलिए, अभी के लिए इमीडिएटली 20,000 हम जो रेंज में आपको बता रहा था 20,000-20,200 बता रहा था, अभी उसको शूट कर लिया है, तो शायद हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, 20,300 भी हो सकता है, एंड हो सकता है कि हम 20,500 तक भी जाए। वो होगा नहीं होगा आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी के लिए तो एज लॉन्ग हम 20,300 के ऊपर है वो उसको आप मंडे के लिए पिवोट मान के चलिए, मार्केट ऊपर है, उसके नीचे रहेगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। एंड यहाँ पर एट द सपोर्ट हमको खरीदारी के बारे में ही सोचना है। अगर ये सपोर्ट जो है टूट जाता है तभी हमारे लिए सेलिंग के बारे में कोई सोचने की बारी आएगी, जब तक वो नहीं होगी तब तक हमारे लिए बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। तो लेट अस लुक एट द टाइमिंग्स, टाइमिंग्स देख लेते हैं। तो पहला टाइमिंग हमको मिल रहा है 9:15 से ही, 9:15-9:30 पहला टाइमिंग होगा, और दूसरा टाइमिंग है 11:45-12, एंड तीसरा टाइमिंग है 2:00-2:15। तो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी यही दिख रहा है कि हो सकता है कि देर इज टू थिंग्स, या तो हम साइडवेज रहेंगे या तो हम एक साइड का रहेंगे। एक साइड का रहने के लिए या तो ऊपर के लेवल से नीचे आना पड़ेगा या नीचे के लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस होगा, मेरे हिसाब से कुछ वन साइडेड मूव होगा तो आफ्टर 11:45-12 ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि पहले होगा। सपोज कीजिए कि देखिए अभी भी बाय ऑन डिप्स है, तो बाय ऑन डिप्स है तो हो सकता है कि अगर हम 9:15-9:30 के बाद अगर हम एनीवे अभी के लिए तो शायद फिर से गैप अप होगा, या हो सकता है कि हम पॉजिटिव तो शुरुआत करेंगे तो वहां पर ऊपर का साइड को दिखता है, तो ऊपर के साइड में यहाँ पर एक करेक्शन आएगा समवेयर अराउंड 11:45-12 o'clock करेक्शन आएगा, तो वहां पर फिर से करेक्शन के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। बाई एनी चांस हम यहाँ पर जो सपोर्ट लेने के बाद वो सपोर्ट ही टूट जाएगा तभी करेक्शन आएगा, जब तक वो सपोर्ट टूटेगा नहीं तब तक करेक्शन नहीं आएगा। तो अभी के लिए यही हमारा लेवल्स है, तीन टाइमिंग्स है 9:15-9:30, 11:45-12 एंड 2:15-2:30, ये तीन टाइमिंग हमारे लिए है। एंड लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए देखिए 45,200 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, दैट इज अगेन नंबर, एंड 45,000 एक राउंड नंबर भी है, तो 45,000 से लेकर 45,200 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरे साइकिल में जा रहे हैं, एंड जब दूसरा साइकिल में जाता है तो वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो बाय एनी चांस हम इसके ऊपर निकलने में सक्षम हो जाते हैं तो अच्छा खासा अपसाइड फिर भी आ सकता है, एंड ये एक हमारा ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास भी है, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। बट जब तक हम यहाँ पर पिवोट आपके लिए क्या होगा, पिवोट अभी के लिए यहाँ पर होगा
45,000। जब तक हम 45,000 के ऊपर रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे, 45,000 के नीचे रहेगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। एंड अभी के लिए तो करेक्शन में बाइंग ही है। एंड अगर बाइंग अगर अभी हमारे लिए कोई सेलिंग होना है तो ये जो थर्सडे वाला लो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कोई सेलिंग आएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए 44,400, 44,500 सपोर्ट बनेगा, 44,900, 45,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक है हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग्स देख लेते हैं। तो टाइमिंग्स जो है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का टाइमिंग हमको 10:30 to 10:45, 1 to 1:15 एंड 2:15 to 2:30, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो उसके हिसाब से जो हमको दिख रहा है, या तो यहाँ पर 10:30 10:45 के आसपास अगर कुछ करेक्शन आता है तो उसके बाद यहाँ पर फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि साइडवेज रहेगा, वरना हमारे लिए अगर ऊपर का साइड अगर एनी वे ऊपर स्टार्ट तो होगा, स्टार्ट होने के बाद अगर 45,000 45,200 मैंने आपको बताया भी है, वहां पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वहां पर करेक्शन आ जाती है तो उछाल तो फिर से आएगी, बट अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो हमारे लिए सेलिंग हो सकता है। तो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड जो मैंने आपको बताया भी था, ये लेवल्स जब तक होल्ड होता है तो फ्राइडे वाला लो जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्राइडे वाला लो अगर ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं। जब तक हम होल्ड है तब तक हमारे लिए इतना खतरा नहीं दिखता है। तो दैट इज फॉर बैंक निफ्टी। अभी आप देखोगे फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी का प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। यहाँ पर जो सपोर्ट बनेगा 20,150, 20,200 एंड 20,250 to 300 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी सारा चीजें ठीक ठाक ही है, कोई यहाँ पर हमको अभी भी कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। टाइमिंग सिमिलर टू निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी का टाइमिंग 9:15 to 9:30, 11:45 to 12 एंड 2:15 to 2:30। देखिए अभी हम एनिवर्सरी डेट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर करेक्शन आना था तो अभी आया नहीं है। अगर होगा तो हमको देखना पड़ेगा कब होगा, अगर नहीं होता है जब तक नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पर कोई अननेसेसरीली सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है। तो लेट अस लुक एट दिस। फाइनली हम लास्ट में आ जाएंगे मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी में भी बहुत अच्छा सा मूवमेंट है, ऊपर नया हाई बना ही रहा है। मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर ग्रैंडफादर फादर सन का स्ट्रेटजी बना है, आप देख सकते हो। उसके बाद लगातार ऊपर ही गया है, इट हैज मे कीप ऑन मेकिंग न्यू हाइज। यहाँ पर देखें 9,700 9,725 सपोर्ट है, 9,775 9,800 यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है 10:15 to 10:30, 1 to 1:15 एंड 10:15 to 10:30 एंड फाइनली आपका 2:15 to 2:30, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है इन केस ऑफ मिड कैप निफ्टी। तो ये थोड़ा सा अभी मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिमिलर टाइमिंग्स है एंड निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी सिमिलर टाइमिंग्स हमको दिख रहा है। यहाँ पर खाली एक ही खतरा हमको दिख रहा है विद केस ऑफ विक्स। विक्स जो है अगर यहाँ पर 13.4 इसके ऊपर निकलता है तभी खतरा है, जब तक ये नहीं निकलेगा यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है तब करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। जब तक वो नहीं रहेगा मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास चीज होने वाली है। एंड देखिए बहुत सारा अभी के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रही है एंड इस हफ्ते में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी रहेगा। जैसे कि कल काउंटिंग होने वाले है, तो देर इज 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें से कितने स्टेट में बीजेपी आएगा वहां पर तो 3 out of 5 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी आएगा। अगर आता है तो दैट इज अ गुड थिंग। अब ये ऑलरेडी मार्केट चल गया है,
बट वहां पर उसके बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो एक बार देखना पड़ेगा। दूसरा बहुत सारा और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और यूएस का कुछ चैलेंज हो रहा है अबाउट उनका जो स्पाई सैटेलाइट्स के हिसाब से जो वो लगा रहे हैं, तो वहां पर वार की तरह वो देख रहे हैं। दैट इज वन चैलेंज विच इज हैपनिंग। सेकेंड, चाइना में फिर से कोई नया वायरस के बारे में बातें कर रहे हैं, एंड यूएस इज ट्राइंग टू प्लान फॉर अ बैन फॉर द ट्रैवलिंग इन चाइना वगैरह हो रहा है। तो वो देखना पड़ेगा वो क्या होगा आने वाले समय में, विल दैट एक्चुअली हैव एनी इम्पैक्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ साइक्लोन का वजह से भी स्पेशली इन इंडिया सदर्न से स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, वहां पर कोई साइक्लोन का इफेक्ट भी हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो न्यूज के हिसाब से कुछ खराबी चीजें दिख रही है, बट उसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। एंड दिस वीक वी ऑल्सो हैव आरबीआई पॉलिसी, 7th को आरबीआई पॉलिसी होगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। दिस वीक वी विल सी अगर यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट मोड लेगी, अगर कोई इम्पोर्टेंट मोड ले सकती है मार्केट, तो इस हफ्ते में शायद कुछ शेप आउट होगी। जब तक वो नहीं होती है तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। चलिए अभी लेट अस एक्चुअली लुक एट व्हाट हैज हैपेंड विथ ये जो हमारा गैन स्क्वायर ऑफ 144 है उसका लेवल्स हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी आप लेवल्स देखिए, तो लेवल्स के हिसाब से आप देखोगे एज लॉन्ग वी आर अबाउट 20,217 हमको पॉजिटिव के बारे में ही देखना पड़ेगा, एंड वी शुड बी एबल टू गो टू 20,251 एंड 20,293 जो आज का हाई है उसके ऊपर रह सकते हैं। हो सकता है कि हम गैप अप शुरू कर दें, तो गैप अप शुरू कर देंगे तो देखिए एज लॉन्ग हम 301 के ऊपर है, 309, 319 आ सकता है, 328 के ऊपर 336, 347 हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ कहीं पर शुरुआत करते हैं, देखिए एज लॉन्ग हम 20,347, तो ऑलमोस्ट 20,350 के मार्क समझिए, एज लॉन्ग हम उसके ऊपर रहेंगे, जितना ऊपर रहेंगे हम ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, नीचे के अगर हमको देखना है, वी नीड टू स्टे बिलो 20,258 के नीचे हमको जाना पड़ेगा, एंड अगर 20,224 जा सकते हैं, एंड आज का जो लो है फ्राइडे का लो 20,183 यहाँ पर आ सकता है। अगर ये टूटता है एंड सस्टेन करता है तो 174 के नीचे हम 166 20,156 जा सकता है, एंड 20,147 से लेकर 20,139 20,150 यहाँ पर आ सकता है। आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको लेवल्स भी दिया है वो 20,150 हमारा सपोर्ट है एंड 20,300 हमारा रेजिस्टेंस है। 300, 350 आप मान के चल सकते हो, इसी रेंज में शायद हम रहने वाले हैं ऑन मंडे। एंड अगर कुछ चेंजेस होगा, अगर इसके नीचे आता है 20,129 के नीचे आता है तभी हमारे लिए खतरा है, वरना इतना खास कुछ नहीं होगा। नाउ लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए एज लॉन्ग हम 44,663 के ऊपर रहते हैं तो 794 एंड आज का जो हाई है 951 वहां पर आ सकते हैं। अगर 984 के ऊपर निकलते हैं तो 45,016 आ सकता है एंड 45,056 ये हमारा दूसरा साइकिल खत्म होता है। अगर 88 के ऊपर निकलते हैं तो 128 एंड 161 आ सकता है। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से 45,200 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा गैन नंबर है, इट विल बी एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। एंड 45,000 इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल नंबर, इसलिए 45,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 45,000 के ऊपर जब तक हम हैं हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। अगर नेगेटिव आना चाहिए तो जब तक हम 44,820 के नीचे नहीं आता है तब तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, एंड यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है तो 689 आ सकता है, एंड इसके नीचे सस्टेन करता है तो 532 आ सकता है। अगर आज का जो लो है फ्राइडे का लो है उसके नीचे सस्टेन करता है 44,499, बेसिकली 44,500 के नीचे आता है तभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तब हम 44,467 देख सकते हैं, 427 देख सकते हैं,
अगर 395 के नीचे आता है तो 360 और 323 ये सारा चीजें हम देख सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ 144 एंड जब तक हम ये लेवल्स को पर है हम इसको रेस्पेक्ट करेंगे। सो दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट गाइस, आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपको इससे मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।